तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पेशली डेमो दूंगा माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव की कई रेंज आती है, बहुत सारी रेंज आती है, और क्या क्या रेंज आती है वो मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा। वैसे तो नॉर्मली तीन टाइप के माइक्रोवेव आते हैं जो हमारे डेली बेसिस पे यूज होते हैं, तो उनके बारे में आपको मैं आज प्रॉपरली डेमो दूंगा। और जितनी भी रेंज है मेरे पास वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा लीटर कितने लीटर का है, मतलब कौन सा माइक्रोवेव कितने लीटर का है और किस माइक्रोवेव में क्या यूज होता है। और स्पेशली मैं दो ब्रांड का आपको भी आपस में कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि इन दोनों में क्या क्या फीचर का फर्क है, क्योंकि मोस्टली मार्केट में ज्यादातर दो ही ब्रांड अभी तक यूजेबल है और पॉपुलर है सेल के मामले में, एलजी एंड सैमसंग। तो उसका भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे तो ब्रांड बहुत सारे आते हैं, एलजी आता है, आईबी आता है, हायर आता है, सैमसंग आता है, आपका मॉर्फी रिचर्ड, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बट मैं आज आपको सिर्फ दो का डेमो दूंगा। और प्लस आपको माइक्रोवेव के बारे में बताऊंगा कि माइक्रोवेव में जो तीन लेवल आते हैं वो क्या क्या यूज के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत, हैशटैग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली डेमो लेके आया, तो आज मैं आपको स्पेशली डेमो दूंगा माइक्रोवेव को रिलेटेड लेके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोलो मॉडल की। सोलो मॉडल आपका कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सोलो मॉडल ज्यादातर आपका ऑफिस में यूज होता है, या फिर जहाँ पे बैचलर्स मेंबर्स रहते हैं, यानी जैसे पीजी वाले रहते हैं जहाँ पे कि स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, और या फिर जैसे कि आपका कोई पीजी हाउस है वहाँ पे भी सोलो यूज किया जाता है, ऑफिस में ज़्यादा यूज किया जाता है, तो और घर में भी काफ़ी हद तक यूज किया जाता है। अभी सोलो होता क्या है और इसको ज़्यादातर यूज क्यों किया जाता है? सोलो का जो काम होता है, जो माइक्रो ओवन खाली होता है, उसका काम होता है किसी चीज़ को गर्म करना। यानी आप किसी खाने को, अगर जो आपका खाना ठंडा है उसको आप गर्म करके खाना चाहते हो तो उसको आप उसमें गर्म कर सकते हो सोलो में। अब इसके दो काम होते हैं, एक तो हीटिंग का काम होता है और एक आता है बॉइलिंग का काम। सोलो जो होता है आपका बॉइलिंग से भी रिलेटेड है। बॉइलिंग मीन्स अगर आपके घर में मेंबर जैसे कि खाली एक बैचलर लड़का है या फिर कोई कॉलेज वाला लड़का है, मान लीजिए उसको सुबह सुबह जल्दी से नाश्ता बनाना है कॉलेज जाना है पढ़ने के लिए, या फिर ऑफिस में आपको जल्दी से खाना गर्म करना है, लंच का टाइम हो गया है, ठंडा खाना हो गया ठंडियों में, ठीक है, उसमें जल्दी खाना गर्म करना है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेकंड्स का हिसाब होता है आपका। 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक आपका, ठीक है, 2 मिनट, 5 मिनट तक भी समय होता है जिसमें आप खाना गर्म कर सकते हो। प्लस बॉइलिंग से रिलेटेड क्या है कि इसमें एग बॉइल कर सकते हो, आलू बॉईल कर सकते हो, मैगी बना सकते हो, पास्ता बना सकते हो, राइस बना सकते हो, फ्रेंच फ्राइज बॉईल कर बना सकते हो। प्लस आपका क्या होता है, इसमें स्पेशली बॉइलिंग से जितनी भी रिलेटेड चीज़ है, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मेन्यू तो आपका सोलो मॉडल के अंदर ही बन जाता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है सोलो का। सोलो का यही प्लस पॉइंट है कि इसमें बॉइलिंग और हीटिंग दोनों हो जाती है, क्योंकि ये गर्म भाप जनरेट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रूट्स होता है आपका उसको, ये क्या होता है, उसके जो मॉइस्चर्स होते हैं अंदर, जो पानी का लेवल होता है उसको क्या करता है, उसी पानी के हिसाब से उसको पकाता है, गर्म करता है, हीट हीट करता है। ग्रिल मॉडल अब आता है नेक्स्ट। ग्रिल मॉडल एक्चुअली किस काम आता है? ग्रिल मॉडल आता है आपका रोस्टिंग के काम और ग्रिलिंग के काम। रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग में क्या होता है, जो भी आप पनीर टिक्का बनाते हो, सीख कबाब बनाते हो, या फिर आपको कोई रोस्टेड चीज चाहिए, चिकन वगैरह चाहिए, तो वो आपका ज्यादातर क्या होता है, रोस्टिंग के लिए पर्पज यूज होता है। ग्रिलिंग का काम होता है जिसमें आपका हीटिंग एंड ग्रिलिंग दोनों ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन में, स्पेशली आपके क्या क्या काम होते हैं। कन्वेक्शन में आपका पिज्जा बन जाता है, आपका केक बन जाता है, ठीक है, स्पेशली आपका पास्ता हो गया, आपके पराठा हो गया, नान लच्छा पराठा, घी तक भी यहाँ पे अब ऑप्शन आ रखा है, वो भी बन जाता है। प्लस इसमें आजकल क्या है, ऑप्शन ऐसे ऐसे माइक्रो में ऐसे ऐसे ऑप्शन आ गए जो हॉट ब्लास्ट के साथ आपका ड्राई फ्रूट, सॉरी ड्राई मसाले भी उसमें आप यूज कर सकते हैं, यानी ड्राई मसाले भी बना सकते हैं। तो इसमें कन्वेक्शन में होता क्या है, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में ग्रिल, हीटिंग एंड कन्वेक्शन फैन तीनों चलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जब ये तीनों चलेंगे तो जो केक वगैरह आप बनाते हो ना, इसमें प्रॉपर जो ब्राउनिंग चाहिए होती है, और या फिर पिज्जा में जो प्रॉपर ब्राउनिंग चाहिए, प्रॉपर जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर ये टेस्ट एंड ब्राउनिंग करके देता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, ऑलमोस्ट टोटली ही यूज होता है। तो अगर मैं कहूँ तीनों की, जो सोलो ग्रिल और कन्वेक्शन है, तीनों जो होते हैं मोस्टली अपने हिसाब से मीडियम मीडियम साइज पे जाते हैं, बट सबसे ज्यादा जो बिकता है सोलो मॉडल बिकता है, क्योंकि वो हीटिंग पर्पस के लिए होता है एंड बॉइलिंग पर्पस के लिए होता है। कहते हैं कि
यूज कैसे कैसे होता है, तो आज मैं आपको दो का कंपैरिजन दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको सैमसंग का। सैमसंग का ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एलजी का भी दिखाऊंगा। एलजी का मैं आपको ऊपर ही दिखा देता हूँ, सॉरी नीचे ही है। ये एलजी का माइक्रोवेव है। अब दोनों के मैं कन्वेक्शन दिखाता हूँ आपको, फीचर्स क्या है। फीचर्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसकी जो कैविटी है पूरी अंदर की, स्टेनलेस स्टील कैविटी है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब इसके वेव निकलते हैं जो खाना को बनाता है, तो जब वो टकराती है स्टील पे, तो क्या होता है 360 अराउंड यानी रेज छोड़ती है चारों तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है खाना जल्दी बनता है। और स्टील ऐसा चीज़ है कि जो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग देती है सेरेमिक कोटिंग। स्टील एंड सेरेमिक कोटिंग दोनों अलग है। सेरेमिक कोटिंग जो होती है ये स्क्रैच प्रूफ ये बताते हैं, यानी इसमें स्क्रैच नहीं लगेंगे, स्क्रैच प्रूफ ये कोटिंग होती है। तो कंपनी इसकी स्पेशली 10 साल की वारंटी देती है। अगर इनके हम एलिमेंट की बात करेंगे, तो जो सैमसंग के नीचे होता है इसमें रॉड वाला एलिमेंट होता है, और जो एलजी वाला होता है उसमें होता है हेलोजन बल्ब वाला एलिमेंट जो कि गर्म करता है। फीचर्स की बात करेंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं ना सैमसंग में यहाँ पे स्लिम फ्राई दे रखा है, सेम यही स्लिम फ्राई आपका स्पेशली आपका एलजी में भी है। एलजी में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एलजी में स्लिम फ्राई का आता है डाइट फ्राई, ये वाला डाइट फ्राई है। तो नाम एक्चुअली दोनों के अलग अलग है, बट दोनों के काम सेम है स्पेशली। अब होता क्या है, स्लिम फ्राई और डाइट फ्राई में, स्लिम फ्राई और डाइट फ्राई दोनों सेम है। काम ये होता है कि जो आपका जो जीरो ऑयल रेसिपीज वाले आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको हल्की सी ब्रशिंग करनी पड़ती है। ये डाइट फ्राई और स्लिम फ्राई काय का काम करता है, ये एयर फ्राई आपको प्रोडक्ट्स देते हैं बना के खाना, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें हल्की सी 20% ऑयलिंग वाली ब्रशिंग करनी है उस खाने में। जैसे पटेटो हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, फ्रोजन आइटम हो गया, आजकल बहुत सारे फ्रोजन आइटम आते हैं, काफ़ी सारे मेन्यूज होते हैं, समोसा वगैरह, ब्रेड पकौड़ा वगैरह, उसमें आप हल्की सी ऑयलिंग करके डाइट फ्राई और स्लिम फ्राई में रख सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको ये 80% लॉइस लेस ऑयल करके खाना बना के देगा, यानी आपको उसमें बिल्कुल भी ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा 20% के करीब ब्रशिंग करनी है खाली। तो ये होता है ऑयल फ्री, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जीरो ऑयल रेसिपीज वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रांड बहुत सारे आते हैं, सभी में आपका किसी में स्लिम फ्राई, किसी में डाइट फ्राई, किसी में जीरो ऑयल रेसिपी, किसी में जीरो ऑयल ऑप्शन, ये सारे के सारे आते हैं, बट फीचर्स सारे के सबके सेम हैं। तो ये सैमसंग और एलजी के हैं। बाकी फीचर्स की बात करेंगे, तो फीचर्स इसमें सब चीज में होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें देर सभी में, इसमें माइक्रो ओवन होता है जिसमें आप खाली गर्म कर सकते हो, ग्रिल मोड होता है जिसमें आप ग्रिलिंग कर सकते हो, और कॉम्बी मोड होता है जिसमें आप बेकिंग, पिज्जा वगैरह, लच्छा, नान, पराठा बना सकते हो। सेम यही फीचर्स आपको एलजी में भी दिखा देता हूँ, सेम यही फीचर आपका एलजी में भी है। माइक्रो मोड, ग्रिल एंड कॉम्बी एंड कन्वेक्शन सभी में सेम है। तो यानी इनका जितने भी ये माइक्रोवेव है, इन सब का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। इन सब का काम, इनका काम सबका हीटिंग करना, बॉइलिंग करना, ग्रिलिंग करना और बेकिंग करना, सबका सेम काम है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत कंपेरिजन बताया है एलजी और सैमसंग में, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा सेल होते हैं, तो इसका मैंने आपको बताया है। अगर इन मॉडलों में से किसी भी मॉडल का आपको पूछना हो, तो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अगर वारंटी की बात करते हैं, तो ऑल ओवर जितने भी माइक्रोवेव आते हैं सबकी 1 ईयर की वारंटी आती है। एंड इसका जो मैग्नेटोन होता है, जो मेन हीटर होता है या मेन मेट हर्ट होता है दिल माइक्रोवेव का, वो होता है मैग्नेटोन, जिसकी कंपनी ऑलमोस्ट 4 साल की वारंटी देती है, चाहे सैमसंग हो, चाहे आपका एलजी हो, या फिर अदर्स ब्रांड में अगर देखा जाए किसी में 3 साल की आती है वारंटी और किसी में 4 साल की आती है मैग्नेटोन की वारंटी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको स्पेशली माइक्रोवेव के बारे में बताया है कि कौन सा किस हिसाब से यूज होता है और कौन सा किस पर्पज के लिए यूज होता है। तो अगर माइक्रोवेव के बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई भी फीचर पूछना हो किसी से भी रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब